remember the most important point of the chapter? That point के जो coordinate होते हैं they are represented in pair. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि point दे दिया P और लिख दिया उसके साथ 3. Will it work? ये point show करेगा आपका? Look here, I have written here P point है और 3 लिख दिया साथ में. ग्राफ के ऊपर ये represent करेगा कुछ? No. पेयर दैट यू नो. और पेयर में आपके पास हमेशा एक्स वाई की फॉर्म में होना चाहिए, चाहे वो जीरो हो कोई बात नहीं. एक चीज जीरो है तो हमें लिखनी पड़ेगी. ओके दैट यू नो, हमेशा उसको पेयर में रिप्रेजेंट करना है. इवन इफ इट इज जीरो तब भी ठीक है. आपके एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है, सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर ही कोई पॉइंट है, वाई पे कुछ भी नहीं है पॉइंट, कोई भी पॉइंट नहीं है, फिर भी उसको हमें जीरो से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि दिस पॉइंट इज 2 0. डू यू रिमेम्बर कल ये सारे हमने किया था, एब्सिसा ऑर्डिनेट ठीक है. कल जो आप क्वेश्चन कर रहे थे इसके थोड़े पार्ट रह गए थे, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर. ओके बी पार्ट था इसका केस स्टडी का. हमारा जो ए पार्ट था उसका टेबल आपने कंप्लीट किया था सबने? यस. इसके आंसर क्या क्या आ रहे थे? 1 4 ऑलरेडी दिया हुआ था, देन 2 7 3 10 4 13 5 16 19. वेरी गुड, है ना, यही सारी इसकी वैल्यूज आ रही थी ठीक है. अभी बी पार्ट पे आओ. मेक अ ग्राफ बाय टेकिंग द पैटर्न नंबर्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द नंबर ऑफ टूथपिक्स ऑन द वर्टिकल एक्सिस. ओके अभी आपके पास ग्राफ अगर नहीं है, नोटबुक के ऊपर हाउ विल यू रिप्रेजेंट ठीक है. एक डमी वो बना लो ग्राफ, डमी मीन्स उसकी एक्सेस बना लो और नंबर्स को रिप्रेजेंट करो. एंड एट होम यू कैन ड्रॉ इट ऑन प्रॉपर ग्राफ. ग्राफ नोटबुक सबके पास होगी आई थिंक. एट होम ओके. तो अभी डमी एक्सेस बना लो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस स्ट्रेट पेन से, एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट द पैटर्न नंबर्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. So what would you write? Which point you will write on the horizontal axis? Think it. X axis or y axis पे क्या क्या लिखोगे? मैम x axis में pattern, y axis में toothpicks. Yes, that is fine. Pattern and toothpicks. But how to start the number? Which numbers we will write? Eighth A section से आप बता रहे हो बेटा? C section. ओके ओके गुड. हाँ जी बताओ एक्स एक्सिस पे बेटा क्या लिखोगे, विच पॉइंट यू विल राइट? मैम 1 2 3 4 5 6 3 4. यस. एंड वाई एक्सिस पे यू हैव टूथपिक्स की जो वैल्यूज हैं वो स्टार्ट हो रही हैं 4 7 10 13 16 19. ओके दैट यू कैन स्टार्ट, सिंस 4 से स्टार्ट हो रही है तो आप इसको 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 2 4 6 8 एंड सो ऑन ठीक है. आपको मिनिमम वैल्यू देखनी है कि वो शुरुआत कहां से हो रही है. इफ यू विल स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम 1 2 एंड सो ऑन तो आपकी थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे वेस्ट भी हो सकती है, क्योंकि 1 2 3 उसमें 3 की जरूरत नहीं है हमें, 5 की जरूरत नहीं है, 7 की जरूरत नहीं है. ओके 7 की जरूरत है तो वो 8 के नीचे आ जाएगा, बट वैल्यूज आर लिटिल फार ऑफ. यू कैन इजिली टेक 4 2 4 6 एंड 8 ऑन द वर्टिकल एक्सिस. ओके एंड व्हेन यू विल ड्रॉ द ग्राफ आई एम जस्ट गिविंग यू क्लू ठीक है. आपकी वैल्यूज जो आएंगी, एक दो पॉइंट्स अभी ड्रॉ करो. चलो आपके पास 1 4 और 2 7 को इसी पे ही ड्रॉ करो, नोटबुक में वैल्यूज है 1 4 एंड ये आपके पास टेबल है और 2 के साथ 7 है ठीक है. ये टू वैल्यूज टू पॉइंट्स रिप्रेजेंट करो ग्राफ के ऊपर. सी उनकी डायरेक्शन कहाँ आ रही है ठीक है. सूटेबली आपने इक्वल डिस्टेंस पे ले लेना है. नोटबुक में करना बहुत इजी होता है क्योंकि लाइंस ड्रॉ की होती हैं. एट थ्री सेक्शन सेटल डाउन फास्ट बच्चे.
यस एनीबडी हैज डन 1/4 पॉइंट यस मैम यस 1/4 इज कमिंग हियर इज इट कमिंग इन फ्रंट ऑफ 4 एंड 1 एक्स एक्सिस से आपने 1 को देखना है और वाई एक्सिस से आपने 4 को देखना है देन 1/4 इज रिप्रेजेंटिंग दिस पॉइंट सिमिलरली नेक्स्ट यू हैव टू सी 4 2 7 तो 2 7 में यू कैन सी 8 के साथ 8 से थोड़ा नीचे कर लो तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ जाएगा ठीक है इट विल बी 2 7 सिक्स और एट के मिडल में ले लो 6 और 8 के मिडल में आप 7 ले सकते हो ऑल राइट तो आपका वो नंबर आ जाएगा एंड आई एम गिविंग यू क्लू जब आप ग्राफ नोटबुक पे इसको ड्रॉ करोगे इट विल कम आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन ओके ऐसे आपकी 4 से स्टार्ट होके ये स्ट्रेट लाइन बनेगी बाय चांस किसी की नहीं बनती है ग्राफ नोटबुक पे क्योंकि आपने प्रॉपर वहां पे पॉइंट्स ढूंढने हैं तो प्लीज लेट मी नो ठीक है कल बताना मेरे को जिसकी नहीं बनेगी स्ट्रेट लाइन ओके बाकी पॉइंट्स तो आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे अभी आपकी स्पेस नहीं होगी और छोटा सा आपने जस्ट एग्जांपल बनाया अभी प्रॉपरली तो ग्राफ पे ही बनाओगे ठीक है तो लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन यस मैम ओके सी पार्ट इज यूज योर ग्राफ अब यूज योर ग्राफ मीन्स ग्राफ तो ऑलरेडी आपके पास आ चुका है शेप बन चुकी है कि वो एक स्ट्रेट लाइन है उसको हमने यूज करना है मतलब उसको अभी हमने रीड करना है कौन सा पॉइंट कहाँ पे है ठीक है यूज योर ग्राफ टू प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ टूथपिक्स इन पैटर्न 7 एंड 8 जब आप कंप्लीट करोगे इसको 7 एंड 8 का यू कैन फाइंड आउट कि 7 के सामने कौन सी लाइन आप पॉइंट आ रहा है और जब आप इसको कंप्लीटली ड्रॉ करोगे आप यहाँ पे 7 के सामने मेजर करोगे कि वो कहाँ पे आ रहा है जो वाई के एक्सिस के साथ कहाँ पे मिल रहा है वो तो वो पॉइंट आपने रीड करके बताना है टेल मी टुमारो ओके कंप्लीट दिस एट होम ओके मैम हैव यू अंडरस्टूड कर पाओगे इसको अपने आप यस यस गुड डी पार्ट इज वुड इट मेक सेंस टू ज्वाइन द पॉइंट्स ऑन दिस ग्राफ जब आपने ग्राफ ड्रॉ किया वुड इट मेक अ सेंस सेंस मीन्स की कोई पर्टिकुलर शेप आ रही है आपकी कोई पैटर्न बन रहा है इसमें आपने वाई की वैल्यू ये सारी एक्स की वैल्यू है ये सारी वाई की वैल्यू है नीचे कुछ सेंस बन रही है इनकी आपस में कुछ रिलेशन बन रहा है एक्स और वाई का लेट अस सी हियर यू कैन सी इट इज कंटिन्यूशन 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो कंटिन्यूशन में है कोई गैप नहीं है ऊपर वाले नंबर्स में लेकिन वाई में क्या चल रहा है वाई में हमारे पास यहाँ पे 4 है यहाँ पे 7 है तो कैन यू सी +3 +3 ऐड हो रहा है एवरी टाइम +3 मैम ये समय में +3 कर रहे हैं तो हमारे पास पैटर्न बन रहा है कैन यू सी इट यस मैम हमारे पास पैटर्न कितना अच्छा बन रहा है ये वाई इज इक्वल टू 3x+1 दिस इज द पैटर्न दिस इज द रिलेशन वी आर गेटिंग बिटवीन एक्स एंड वाई ठीक है यू कैन सी यस द रिलेशन बिटवीन बिटवीन एक्स एंड वाई इज y इज इक्वल टू 3x+1 ठीक है ये आपका रिलेशन बन रहा है आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो 4 आ रहा है x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो 7 आ रहा है x इज इक्वल टू जब आपने 10 पुट किया सॉरी 3 पुट किया तो 10 आंसर आएगा वेरी नाइसली पैटर्न इज फॉर्म्ड ठीक है इसको स्टार लगा लो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू थिंक ऑफ द पैटर्न रिलेशन क्या बन रहा है एक्स और वाई का और किसी को अभी तक डाउट है यू कैन आस्क मी कि हाउ कम इट हैज 3x+1 कम
Any doubt? You want to ask me anything? Everybody has noted? Mom, yes. Fine. कुछ पूछना है किसी को? चलो नोट डाउन कर लो. आई कैन सी फ्यू चिल्ड्रन आर राइटिंग. क्वेश्चन नंबर थ्री, थर्ड क्वेश्चन. वी हैव टू गिवन, दिस ग्राफ इज गिवन टू यू इन मॉड्यूल, यस मैम. है ना? देखो इसमें zigzag लाइंस बनी हुई हैं. एक आपको कंप्लीट लाइन दिख रही है और एक डॉटेड लाइन दिख रही है. कैन यू सी ग्राफ में? द यस मैम. ग्राफ गिवन बिलो, लेट अस रीड द क्वेश्चन. द ग्राफ गिवन बिलो गिव्स द एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड सेल्स ऑफ कार्स. एक्चुअल जो है वो तो आपकी डार्क लाइन से ड्रॉ की हुई है, ठीक है? जो कि एक्चुअल मीन्स जो जो ऑलरेडी हो रहा है वो तो आपको पता ही है, कोई डाउट नहीं है. एंड एक्सपेक्टेड मतलब जो आप इमेजिन कर रहे हो कि हो सकता है ऐसा हो जाए, ठीक है? एक्सपेक्टेड सेल्स ऑफ कार्स ऑफ अ कंपनी फॉर 6 मंथ्स, ठीक है? स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. पहले तो सबसे पहले ग्राफ को ऑब्जर्व करो, क्या क्या दिखाया गया है. हॉरिजॉन्टल लाइन में व्हाट इज शोन? 8C फर्स्ट बॉय. यस बेटा, हु इज सिटिंग अलोन? यस, जल्दी से बता दो, हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या दिखाया हुआ है? मंथ्स आर शोन, 6 मंथ्स की वैल्यू हमें बताई हुई है कि 6 मंथ्स में कितनी कितनी सेल हुई है. ऑलराइट, एंड वर्टिकल लाइन में क्या है? नंबर ऑफ कार्स सोल्ड. ऑलराइट, ओके, सिट डाउन, सिट डाउन. इट इज रिटन देयर, यू कैन रीड इट वेरी वेल. ओके, तो क्वेश्चन अभी हमने देखना है. आप बेटा इसके स्केल भी बना होता है, जो जो भी ग्राफ होता है उसका स्केल भी बना होता है. कैन यू सी ग्राफ के साथ ये छोटा सा बॉक्स बना हुआ है? ये आपके पास ग्राफ है, उसके साथ ही छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, उसके ऊपर लिखा भी होता है जैसे आपकी ज्योग्राफी में होता है. ये आपकी एक्चुअल सेल है, दिस इज एक्चुअल सेल, और डॉटेड लाइन जो है दैट इज एक्सपेक्टेड सेल. ओके, अगर किसी को ऐसे नहीं भी समझ आए तो दिस स्केल टेल्स यू एवरीथिंग. ए पार्ट, इन विच मंथ वॉज द एक्चुअल सेल्स सेम एज द एक्सपेक्टेड सेल्स? अप्रैल, अप्रैल. यार वाई? बिकॉज दे आर यू नो सुपर इम्पोजिंग ईच अदर, उनका सेम ही पॉइंट शो कर रहा है. ओके, एक्सपेक्टेड का और जो एक्चुअल है दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं, एक ही पॉइंट हमें शो कर रहा है दोनों की वैल्यू, तो इसलिए वो अप्रैल मंथ आएगा. You can write answer over there. B part, for which months was the difference in actual and expected sale is maximum? March. March. कैसे पता चला आपको? What did you observe? Ma'am, distance. And because the expected sales are very high in March. Yes, yes. Very good. आपने वो high and low का देख लिया कि उनका maximum distance है. ठीक है, वैल्यू उसकी ज्यादा हाई जा रही है जो एक्सपेक्टेड है, और जो एक्चुअल है उसकी नीचे है. तो मैक्सिमम डिस्टेंस आपको दोनों लाइंस के बीच में जो दिख रहा है दैट इज मार्च मंथ. दैट इज ग्रेट. आपको पढ़ना आता है ग्राफ तो फिर इट इज फाइन. आपके 5 नंबर्स तो ऐसे ही आ जाएंगे. 5 नंबर ऐसे मतलब कि यू हैव टू डू इट कॉशियसली. ऐसे मतलब ये नहीं कि देखना ही नहीं है. ओके, वेरी वेरी सिंपल. आई मीन टू से सी पार्ट, for which months was the difference in actual and expected sale the least? January, February mein bhi hai na minimum? Yes. January BF. Okay, they are saying sales the least. February bhi hai, June bhi hai. June mein bhi to kam hai na, और फेब्रवरी भी है. तो इसको 3 मंथ्स हम लिख सकते हैं, जनवरी फेब्रवरी एंड जून. यस, आपको क्लियरली दिख रहा है वहां पे कि डॉट्स आर क्लोजली प्लेस्ड इन दीज ऑल मंथ्स. ठीक है, सी का आंसर में आपको 3 मंथ्स लिखते हैं, जनवरी फेब्रवरी एंड जून, सी पार्ट. ओके,
Fine. Come to D part. What was the total sales of cars in the month of January, February, and March? Please remember, you are adding January, February, and March. Okay, सबने आंसर नहीं बताना, अभी मैं पूछूंगी आपसे. आई विल कॉल द नेम. प्लीज से इट केयरफुली. जनवरी की रीडिंग देखो, फेब्रवरी की रीडिंग एंड मार्च की रीडिंग देखो, एंड यू हैव टू टेल द टोटल सेल ऑफ दीज मंथ्स. एंड सिंस टोटल सेल पूछ रही है, तो आपको एक्सपेक्टेड देखोगे या एक्चुअल देखोगे? एक्चुअल देखना है, एक्सपेक्टेड नहीं, बिकॉज एट प्रेजेंट दे आर आस्किंग. आई एम कॉलिंग फ्रॉम 8C. बच्चे बी रेडी फॉर दैट. रूबिका 8C, प्लीज टेल मी ऑफ जनवरी. 75. February is 100. And what about March? 75. Again 75. Please find out its total. Very good. You have to find the total of these. Sit down, beta. Very good. Yes, who has done? Two fifty. This is Kara. Raise your hand. Excellent. Total sale is coming out to be 250. Very good. Okay. E part. What is the average sales of cars in the last 3 months? Average sale of, what is average? How do you find average? Average या फिर mean आपने किया हुआ है? Do you mean, have you read beta mean? Mean and average, they are same, you know? What is the formula of that? Yes. किसने बताया? B section से? Yes. Yes, everybody knows. Sum of the values divided by number of values. ठीक है, जितने भी हमें 3 months का करना है या 6 months का करना है, सब values को हम plus कर देते हैं, divided by उतना ही values जितनी count की है हमने. ठीक है, please जल्दी से इसको कर लो फिर. I'm giving you time. Do it yourself. Sum of values divided by number of values. Beta, iska formula bhi likh lo. Make a box here. Write down note. This is most important. Okay? Write down NOTE capital letters mein aur isko star laga do. Big star laga do. Because this is used as a formula. Okay, let everybody do. बेटे जिसको नहीं समझ आ रहा, दे ऑल्सो प्लीज कम फॉरवर्ड. खड़े होके पूछ लो किसको क्या किया है, प्लस क्यों किया है, इसको डिवाइड क्यों किया है, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है. जिसको किसी को रीड करने नहीं भी आता, एंड इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज ऑल चिल्ड्रन जिनको आता है अच्छे से. जरा आसपास गर्दन घुमा के भी देख लो कि आपके आसपास वाले कर रहे हैं या उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है. बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी वेरी सिंपल. आई वॉन्ट कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस चैप्टर में. हु हैव डन दिस क्वेश्चन? रेज योर हैंड. ओके गुड. 8C सेक्शन. सी सेक्शन में से किया है किसी ने? नो मैम. ओके प्लीज डू इट. आई एम गिविंग यू टाइम. एवरेज निकालना है. सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लो अपने सामने. सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज.
और इसको स्टार भी लगा दो, ये आपका की पॉइंट्स में इसको ऐड कर लेना। ऑफ लास्ट 3 मंथ्स की बात हो रही थी, तो लास्ट 3 मंथ्स के हम पहले तो वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है? लास्ट 3 मंथ्स सी सेक्शन में से किसने कर लिया, आगे आओ। सी सेक्शन अगर नहीं आता देन ऑल्सो रेज योर हैंड बिकॉज आई विल डू ऑन द बोर्ड देन। इफ यू आर टेकिंग सो मच टाइम इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको। एमी एवरीबडी हैज डन, वेरी Yes. गुड। बी सेक्शन, बी सेक्शन सबने कर लिया। चलो आई एम डूइंग ऑन द बोर्ड, आई कैन सी हैंड्स ऑल्सो। एफ सेक्शन में भी यस आपने कर लिया। ओके, जिन्होंने नहीं किया, जिनको नहीं आता प्लीज सी ऑन द बोर्ड, और जिन्होंने कर लिया दे विल चेक फ्रॉम द बोर्ड। फाइन, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लास्ट 3 मंथ्स, हमें इनकी वैल्यूज पहले लिखनी है। दीज वैल्यूज आर 125, देन यू हैव 100 एंड देन 150। फाइन, सो वी हैव टू एड देम ऑल, सम ऑफ ऑल एवरेज निकालनी है, तो एवरेज निकाल के वी विल एड देम ऑल। 125 प्लस 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है? कोई भी स्टेप को आपने स्किप नहीं करना, अगर आप स्किप करते हो और जंप करते हो सीधा आंसर के पास तो वो फिर रॉन्ग हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप करो, पहले सबसे पहले वैल्यूज लिखनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकेंड स्टेप में उनको प्लस करना इंपॉर्टेंट है, थर्ड स्टेप में उसको डिवाइड करना इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हाई वी हैव डन 3, क्योंकि सम ऑफ वैल्यूज जो है वो ऊपर हमारे पास 3 है, 3 वैल्यू को हम प्लस कर रहे हैं इसलिए नीचे हम 3 लिखेंगे। अगर हम 4 वैल्यूज को प्लस करेंगे तो नीचे 4 लिखेंगे। 275। यस, अभी यू कैन टेल मी द आंसर, इट इज कमिंग आउट टू बी 375 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
125 इज कमिंग, ठीक है? आपको अगर वैसे तो ये ओरल करने वाला था, अगर नहीं भी आता तो यू कैन डिवाइड इट. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ई पार्ट. पुट अ स्टार हियर, स्टार विल टेल यू लेटर कि आपने इसको रिवाइज करना है अच्छे से. बाकी पार्ट्स तो सिंपल थे, आपने मेरे को ओरली बता दिए और जल्दी 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 बता दिए. इसमें थोड़ा सा थॉट प्रोसेस वाला क्वेश्चन था ये, इसलिए इसको स्टार लगाना इंपॉर्टेंट है. आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपके साथ साथ मार्किंग होनी चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस को हमने फोकस करना है लेटर. एवरेज का फॉर्मूला आपने पहले से पढ़ा हुआ था, बस इसको अप्लाई किया है हमने. इफ देर इज एनी डाउट, ये थोड़ी सी एफर्ट लगी है ना आपको करने में, काफी बच्चों को, प्लीज स्टैंड एंड आस्क मी. कुछ डाउट है इसमें, ई पार्ट में तो वी डोंट वॉन्ट टू रश कि आगे 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 क्वेश्चंस करते गए और पीछा समझ नहीं आया. जिन बच्चों ने किया था और ठीक था 125, प्लीज सी अराउंड, अपने आसपास के स्टूडेंट्स को देखो, हैव दे डन इट या उनको कुछ डाउट है. हेल्प ईच अदर. ओके, देन वी आर मूविंग अहेड. एफ पार्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पुट अ स्टार हियर. दिस इज थिंकेबल क्वेश्चन अगेन. फाइंड द रेशियो, ठीक है? बी प्रिपेयर फॉर द रेशियो. रेशियो निकालना है किसका? ऑफ द सेल्स इन द फर्स्ट 3 मंथ्स टू द लास्ट 3 मंथ्स. फर्स्ट 3 मंथ्स फटाफट से मेरे को लिखना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि वी वॉन्ट की गलती ना हो जाए. रेशियो लास्ट 3 मंथ्स. यू ऑल्सो राइट डाउन क्विकली, हमें इसकी रेशियो बतानी है. अगर आप ओरल करोगे तो ये गलती हो सकती है कि हो सकता है आप लास्ट 3 मंथ्स को पहले लिख दो और फर्स्ट वालों को बाद में लिख दो, जो कि बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक होएगी और आंसर उसका, सॉरी, उसके मार्क्स 0 मिलेंगे अगर वो करोगे तो. आपको पता है रेशियो में व्हेनेवर वी टॉक अबाउट, फर्स्ट थिंग पहले आती है, दूसरी चीज बाद में आती है, पता है आपको?
जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आए फटाफट से उसको लिख लो अपनी नोटबुक में सामने, फर्स्ट 3 मंथ्स रेशियो लास्ट 3 मंथ्स। ओके, सेल्स इन द फर्स्ट 3 मंथ्स। अब सेल इन द फर्स्ट 3 मंथ्स इसको क्या करोगे आप, 3 मंथ्स को क्या करोगे, तीनों के तीनों लिखोगे यहाँ पे या हाउ वुड यू स्टार्ट द क्वेश्चन? थिंक इट, सोचो थोड़ा सा इसके बारे में। मैम बाय फाइंडिंग एवरेज, बाय फाइंडिंग एवरेज, बेटा उन्होंने तो बोला ही नहीं एवरेज के लिए, तो हम एवरेज नहीं निकालेंगे। ओके मैम, ठीक है, जब तक नहीं बोला हम नहीं करेंगे। सी आपको थोड़ा सा क्लू मिल रहा है कि फर्स्ट सम ऑफ 3 मंथ्स, मैम दे आर सम ऑफ फर्स्ट 3 मंथ्स। यस, सम ऑफ 3 मंथ्स, थोड़ी कॉमन सेंस यूज करनी है आपने कि दे आर आस्किंग सेल्स इन 3 मंथ्स, ऑफ कोर्स यू विल डू सम। ओके, फर्स्ट 3 मंथ्स की आपने सेल पहले भी निकाली थी, आई थिंक कौन से पार्ट में निकाली थी? 250। यस, तो यू डिड इट 250 रेशियो लास्ट 3 मंथ्स की 375 निकाली थी। यस, 375। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? दिस इज नॉट सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से खड़े होके पूछ लो जिसको डाउट है। मैं खुद ही बोल रही हूँ कि ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है और इम्पोर्टेंट भी है। किसी को कुछ पूछना है? नो। ओके, वेरी गुड, प्लीज डू इट। दिस इज रेशियो, तो आपको पता है हम रेशियो को ऐसे लिखते हैं और उसको लोएस्ट फॉर्म में करते हैं। Yes. करो इसको, वेरी गुड, डोंट टेल मी द आंसर, आई विल आस्क द नेम। ओके, लेट मी सी किस किस ने किया है। डोंट डिस्कस, लोएस्ट टर्म ही तो करना है इसको, सिंपल क्वेश्चन है, आपकी 8th क्लास है अभी, लोएस्ट टर्म में करना आता है आपको। 8F सेक्शन, सांची 2:3। सांची इज प्रेजेंट, F सेक्शन, यस बता दो बेटा, हैव यू डन इन लोएस्ट टर्म बेटा, काटा इसको? ओके, बताओ कितना आ रहा है? 2:3, किस किस का 2:3 आ रहा है? बिल्कुल ठीक आंसर है, वेरी गुड, 2:3। इसको किससे काटा, 5 को टेबल लिया, 2 का टेबल लिया, आई विल नॉट आस्क यू, आपको पता है लोएस्ट टर्म में कैसे करते हैं, आई नीड नॉट एक्सप्लेन, है ना बेटा? तो इस आंसर इज 2:3, सिंस दे आर आस्किंग रेशियो तो हम रेशियो फॉर्म में ही आंसर लिखेंगे, अपॉन में नहीं लिखना, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखना। ओके, 2:3 इज द करेक्ट आंसर, दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज माइंड इट, जब भी आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में ग्राफ रीड करने वाला, उसको माइन्यूटली देखना है आपने, रीड एवरी क्वेश्चन ट्वाइस, दो बार एक क्वेश्चन को पढ़ो और ध्यान से देखो कि इसमें पूछा क्या गया है, और जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो, आपको अगर वो नहीं आता एक बार में पढ़ के, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, रीड इट ट्वाइस, रीड इट थ्राइस, तीसरी बार जब पढ़ोगे ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि आपने सब कुछ किया हुआ है, बिलीव इन योरसेल्फ, आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चन डिफिकल्ट हो आपके लिए, ठीक है, मेक एफर्ट इन रीडिंग, एक बार नहीं समझ आया दूसरी बार पढ़ो, दूसरी बार नहीं समझ आया तीसरी बार पढ़ो, इज इट क्लियर, बी कॉन्फिडेंट इन डूइंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, सिर्फ यही क्वेश्चन, जैसे हम मॉड्यूल में ये क्वेश्चंस कर रहे हैं और आपकी जो बुक में जो मैम ने करवाए हुए हैं, दैट इज मोर देन इनफ, उतना ही आप प्रैक्टिस करो बार बार, मोर देन इनफ,
You can score the greatest marks. You need not go beyond that. Do you agree? Will you do? Yes, ma'am. Yes. Very good. We are putting a lot of effort in these questions, you know. Kitni minutely dhyan se padh rahe ho aap. Third question was very, very important. Okay, come next. Module 2 aapke paas hai? Yes. Yes, ma'am. Let's do assertion reason. कल हम जितने भी की पॉइंट्स लिखे थे उसमें ये एवरेज वाला फॉर्मूला प्लीज ऐड कर लेना की पॉइंट्स में. ठीक है, कल कितने पॉइंट्स लिखे थे हमने? सेवन. सेवन, उसमें ये एट पॉइंट एवरेज वाला अभी अभी लिख लो, सामने ही आपके लिखा हुआ है. चाहे आपको आता है तो भी लिख लो. ठीक है, उससे क्या होगा, आपका राइट यूज होगा इस फॉर्मूला का, गलती होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे. चलो अभी अभी जो हम assertion reason में करेंगे उसमें भी कुछ पॉइंट्स होंगे आपकी की पॉइंट्स में ऐड करने वाले, उसको करते जाना. एंड मेरे को पता है जब बच्चे काम करते हैं वो की पॉइंट्स को आपने क्लोज कर दिया होगा, आपकी स्पेस ही नहीं होगी नोटबुक में भी कि आगे कुछ ऐड करने के लिए. होता है ना ऐसा, कई बच्चे सोच रहे होंगे कहाँ लिखूं, स्पेस ही नहीं है नोटबुक में, क्योंकि आपने आगे उसके आगे कंटिन्यू कर लिया होगा अपना काम. होता है ना ऐसा. डोंट वरी, पेज पे ये लिखा है वहीं पे स्टार लगा के इसको हाईलाइट कर लो, बॉक्स बना लो, स्टार लगा लो, नोट लिख लो बिगर ये कैपिटल लेटर्स में. इट शुड बी नोटिसेबल फॉर यू. आपको आपको ही अपनी नोटबुक खोलनी है, आपको पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट था. चलो कम टू असर्शन रीजन. फर्स्ट पॉइंट असर्शन. आई एम रीडिंग, यू ऑल्सो सी इट केयरफुली. Eighth hill section. Yes. Look into your modules. Assertion. A line graph. We are talking about a line graph. Okay. In which all the line segments. Line ke spelling tick kar lo. Line ke spelling tick kar lo. Form a part of a single line is called a linear graph. I'm true. True. एंड कैन यू टेल मी, पीछे जो हमने क्वेश्चन किया था पैटर्न वाला, टूथपिक वाला, उसमें जो स्ट्रेट लाइन बन रही थी उसको भी आप लीनियर ग्राफ बोल सकते हो कि नहीं? यस ग्राफ, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन आ रही थी. ठीक है, डायरेक्शन उसकी जहां मर्जी हो बट उसकी स्ट्रेट लाइन आ रही है तो उसको हम लीनियर ग्राफ बोलेंगे. ओके, रीजन द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग अ पॉइंट with the help of the coordinates is known as plotting a point in the plane. Plotting, PLO. Ma'am, true. True. PLO कर लो इसको. True. Plotting a point in the plane. Yes, you know, you have understood the meaning very well. Plot करते हैं हम सारे points को graph में, plot करते हैं फिर उसको join करते हैं और आपके पास एक linear graph आता है. ठीक है, this is also true. So option will be A or B? B. B. Yes. Okay. Second question. Assertion. While drawing a graph, independent variables are taken on y-axis and dependent variables on the x-axis. False. False. Kya hona chahiye isme? False kyun hai ye? उल्टा हो रहा है इसमें. जो डिपेंडेंट होते हैं वो जो होते हैं नीचे ऊपर आते हैं, वाई एक्सिस पे आते हैं, और इंडिपेंडेंट जो है वो एक्स एक्सिस पे होते हैं. रीजन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द कॉज एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज द इफेक्ट. यस, वेरी गुड. आई हैव अंडरस्टूड कि आपने साइंस अच्छे से की हुई है ना. साइंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना कॉज एंड इफेक्ट वाले, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. यस, डी ऑप्शन आ रही है क्योंकि फर्स्ट वाला आपका फॉल्स था और रीजन आपका ऑप्शन डी. यस, डी बेटा, डी डी कैपिटल डी, या कैपिटल डी स्मॉल डी जो मर्जी करो, बट डी ऑप्शन क्योंकि फर्स्ट वाला एसर्शन आपका फॉल्स है ना. एसर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू.
डी ऑप्शन आएगी। थर्ड क्वेश्चन असर्शन, इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम रिप्रेजेंट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ट्रू ट्रू यस इट इज ट्रू एंड रीजन टाइम इज रिप्रेजेंटेड ऑन द वाई एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस। एवरीबडी नोज यस सी ऑप्शन यस सी है ना। डी तो नहीं आएगी ना। नो मैम असर्शन ट्रू था और रीजन आपका फॉल्स है तो सी ऑप्शन आएगी। ओके फोर्थ क्वेश्चन असर्शन, व्हाइल ड्राइंग अ ग्राफ डिफरेंट स्केल कैन बी सिलेक्टेड फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यस यू नो बिकॉज हमने आपको याद होगा एक्स एक्सिस पे हमने 1 2 3 लिया था तो वाई पे हमने 2 4 6 8 लिया था, डिफरेंट स्केल यूज किया था उसमें। ओके तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज ट्रू। रीजन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी शोन थ्रू ग्राफ्स। यस एक्स और वाई में से एक चीज डिपेंडेंट है एक चीज इंडिपेंडेंट है तो उनका जो है रिलेशनशिप पता चलता है कि कौन किस पे डिपेंडेंट है और कितना डिपेंडेंट है। टू के लिए क्या वैल्यू आ रही है, फोर के लिए क्या वैल्यू आ रही है, दैट ऑल्सो यू कैन रीड। ठीक है बोथ आर ट्रू एंड दिस ऑप्शन विल बी ए या बी। इट विल बी बी बिकॉज इन असर्शन वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रॉइंग अ ग्राफ डिफरेंट स्केल कैन बी, स्केल की बात हो रही है असर्शन में, आप स्केल की बात कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट स्केल ले सकते हैं। ठीक है रीजन में आपकी बात हो रही है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड वेरी, वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमें ग्राफ क्या शो करता है। ओके दिस विल बी बी ऑप्शन। इज इट क्लियर? यस मैम। अब आपका लास्ट एक केस स्टडी क्वेश्चन रह गया है और टुमारो आपका ये ग्राफ का फिर खत्म हो जाएगा। टुमारो ये स्कूल? यस यस मैम। ओके मैम टाइम हो गया। टाइम हो गया ओके चलो गाइस प्लीज रिवाइज दीस क्वेश्चंस। ओके ओके मैम फॉर गुड मार्क्स यू हैव टू रिवाइज। यस सी यू टुमारो। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम। Thank you.